क्लास फोर्थ. टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5. ओके, इन दिस वी हैव टू इनसर्कल ऑल ऑड नंबर्स. इसमें सारे जितने भी ऑड नंबर है ना, उनको हमें घेरना है. ठीक है, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. बहुत ही छोटा है ऑड नंबर. क्या होता है, जो टू के टेबल में नहीं आता है, जो दो के पहाड़े में नहीं आता है, या जो दो से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है ना, तो आप कन्फर्म कर सकते हो. तो चलो मैं दिखा डिवाइड करके भी आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, नीचे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर है 45. ठीक है, तो क्या 45 2 से डिवाइड होगा, चेक कर लो. ठीक है, अगेन 2 2 जा 4, माइनस किया रहा है 1 1, रिमाइंडर है, डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब. तो 45 क्या है, ऑड नंबर है. इसको आपको घेरना पड़ेगा, ऐसे गोल कर देंगे. ठीक है, इसको आपको गोल करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा. ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है, बस इतना ही करना है. तो मैं इसी डिवाइड करके आप चेक कर लेंगे. ठीक है, इस तरह से करेंगे. अब मैं क्वेश्चन में चलता हूँ, तो मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूँ. क्वेश्चन में जैसे 45 है, तो इसको गोल कर देना आप. ठीक है, 71 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी आप चेक कर सकते हैं. तो ये भी गोल कर देंगे. 66 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए गोल नहीं करना है. 90 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी इवन नंबर है. 34 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. 11 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसको भी गोल कर देंगे. 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 52 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. सारे के सारे इवन नंबर है, जो भी अंदर है ना इवन नंबर है. तो इनको गोल नहीं, सर्कल में तो गोल नहीं करना है. अब इन सर्कल का ऑल इवन नंबर, और जो डिवाइड हो जाए 2 से, अब इस बार क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, इन सर्कल में घेरो किसको, इवन नंबर्स को. हैव टू सर्कल द इवन नंबर्स. जो 2 से डिवाइड होगा उनको घेरना है. जैसे 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 या 10 होता है. तो 10 इज एन इवन नंबर, यू हैव टू सर्कल दिस नंबर. 33 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इवन नंबर नहीं है. जो 2 से डिवाइड होगा अब उसको घेरना है. तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 33 भी डिवाइड नहीं होगा, इनको नहीं घेरना. ये भी नहीं होगा, ये ऑड नंबर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. 8 डिवाइड होगा 2 से, इसको भी घेर देंगे. 44 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी घेर देंगे. ठीक है, इस तरह से आपको करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे बड़ा ना, कोई भी नंबर चेक करना आपको, जैसे डिवाइड हो रहा है नहीं है, तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे. जैसे हमें क्वेश्चन 1 में दिखाया, तो ये आप कर लेना. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन 2 में क्या किया, जो 2 से डिवाइड होगा उसको ही घेरना है. और क्वेश्चन 1 में क्या था, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको घेरना है. दोनों में फ़र्क है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 2 से डिवाइड होगा उसको घेरना था, नहीं था जिस, और जिसको मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको घेरना है क्वेश्चन नंबर 1 में. और क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2 से डिवाइड होगा उसको घेरना है. दोनों में फ़र्क है. अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं. राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 120. तो 100 और 120 के जितने भी ऑड नंबर हमें उसको लिखना है. तो शुरू करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखेंगे 100 और 120 के बीच में ऑड नंबर जो 2 के टेल में 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. तो पहला आएगा है 101 ऑड नंबर्स. तो पहले लिख लेते हैं ऑड नंबर्स बिटवीन 100 and 120 are enter. अब लिख देंगे, शुरू करते हैं. तो अपना जो पहला नंबर है वो आएगा 101. ये ऑड नंबर है. अब एक एक छोड़ते हुए जाएंगे. ठीक है, कॉमा, फिर
कॉमा 103 कॉमा 105 कॉमा 107 कॉमा 109 कॉमा 111 कॉमा उसका देख छोड़ देंगे, 112 नहीं है वो इवन नंबर है तो 113 कॉमा 114 नहीं सॉरी सॉरी 14 नहीं है, 113 के बाद 115 ठीक है, 115 के बाद एक छोड़ देंगे 170 फिर कॉमा एंड लास्ट, अच्छा कॉमा नहीं देंगे सीधा एंड लिखेंगे एंड 119 ये आंसर हो जाएगा ठीक है। तो इतना ही करना था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 131 और 151, तो जितने भी इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं ठीक है उनको लिखना है, तो लिखते हैं ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में हम लिखेंगे इवन नंबर्स बिटवीन 131 एंड 151 ठीक है, और इनके बीच में कितने हैं वो हम लिख देंगे यहाँ पे। अब 131 ये ऑड नंबर है, इसके बाद ही जो आएगा ना 132 वो है इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे, तो 132 कॉमा फिर एक छोड़ते हुए जाएंगे, एक एक छोड़ते जाएंगे 134 छोड़ के 134 लिख देंगे ठीक है, 134 कॉमा 135 को छोड़ के 136 लिखेंगे, ये 136 ये फिर कॉमा 136 के बाद आपको लिखना पड़ेगा 138 कॉमा फिर 139 छोड़ के 140 कॉमा 141 को छोड़ के 142 यहाँ पे 140 फिर वहाँ कॉमा फिर आएगा 142 अगेन कॉमा 144 कॉमा एंटर फिर 146 कॉमा 148 कॉमा 150 ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। इतने सारे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये भी नंबर्स हैं ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है ठीक है ना। तो 7 सीजे कितना होता है यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही इजी, 7 सीजे 42 हो गया, उसके बाद ये ऑड है या इवन लिखना है, तो ये 2 से डिवाइड होगा 42, कैसे पता चला, वंस प्लस में देख लो ये 2 है, तो वंस प्लस में 2 हो 0 हो वंस प्लस में या 2 हो या 4 हो 6 हो 8 हो तो ये इवन नंबर है
ये भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं, वंस प्लस में अगर इफ द वंस प्लस डिजिट इज़ जीरो, आइदर जीरो और टू और फोर और सिक्स और एट, देन इट इज़ इवन नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इवन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे इवन, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे, या होमवर्क देता हूँ मैं आपको, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर फाइव कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से करना है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और ऑड या इवन बता देंगे। जैसे 5 11 55 होता है, 5 11 55, 55 ऑड नंबर है, ठीक है। मैंने बता दिया, मुझ से आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। इस तरह से लिखना है, जैसे मैं एक आंसर लिख दिया हूँ, एक आंसर मैंने लिख दिया, बी सी डी आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं, राइट एनी थ्री इवन मल्टीपल्स ऑफ दिस। तो एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे 9 ले लेता हूँ बी, या 13, मैं 13 ले लेते हैं, चलो ठीक है। कोई भी तीन इवन मल्टीपल लिखने हैं हमें, तो मैं 13 ले लेता हूँ और 13 करते हैं। 13 का टेबल लिखना है जो इवन नंबर में आंसर है इसका, 13 के टेबल में इवन नंबर में जो मल्टी उसका मल्टीपल है उसको लिखना है। तो लिख के दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में हम सी करेंगे सी, ठीक है। सी में हमारा है 13, एंटर, इसका आंसर लिखेंगे 13 1 13, 13 2 26। पहला नंबर जो आएगा ना 13 2 26 आएगा। तो हम पूरा टेबल भी लिख देता हूँ, ठीक है, किस में आ रहा है वो भी बता देता हूँ। 13 2 26, 26 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 13 3 39 नहीं चलेगा, 13 4 42, तो हम 13 4 लिखेंगे, 13 4 इक्वल टू लिख देंगे 42, सॉरी सॉरी 13 4 42 नहीं होता है, 13 4 52, ठीक है 52। उसके बाद हम लिखेंगे और लिखेंगे 13 5 65, 13 6 लिखेंगे, 13 6 लिखते हैं, 13 6 78, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर अब 1 2 3 4 हो गया, 3 अब चौथा लास्ट, 13 7 91 होता है, 13 8 करेंगे, 13 8 लास्ट, 104 इक्वल टू 104, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। इस तरह से करना था, तो आप ये बाकी आप ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर, न्यू चैप्टर हम करेंगे वो नेक्स्ट डे करेंगे। तो टेबल ही सिर्फ आपको लिखना है, इस तरह से मैं लिखा है उस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पे आंसर लिख देंगे और काम करता हूँ। ये सारे आपके आंसर हैं, आज के लिए इतना ही।